ये बारबेक्यू ड्रम स्टिक, इसके हम मैरिनेशन कर लेते हैं, जो आपको यहाँ दिखाएंगे कि यहाँ पर मेरे पास जो चिकन है, ये ड्रम स्टिक्स हैं, इस पर हमने कट लगा लिया। अभी मेरा स्पून दीजिएगा बेटा, टेबल चार, थैंक यू। आप बड़ा अच्छा करती हैं कि मतलब सारी एक साथ दे देती हैं मुझे, जल्दी से ले। अच्छा जी, ये मेरे पास मेरा ख्याल आठ है, आठ अदद है, तकरीबन 1 kg के करीब है ये। इसमें हम जो मैरिनेशन देंगे वो ये है, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1.5 tablespoon। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 teaspoon, पेपरिका पाउडर यहाँ पे जाएगा तकरीबन 1 teaspoon। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये लेमन जूस, ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 tablespoon। बारबेक्यू सॉस, बारबेक्यू सॉस इसका फ्लेवर जो है बेहतरीन हो जाएगा, और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, और हम बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल करते हैं, डिप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डालेंगे हम 2 tablespoon, ठीक है जी। और डालेंगे इसमें ये वर्सरशायर सॉस, ये भी जाएगा 2 tablespoon, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा ये क्या। और डालेंगे नमक, नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन चूंकि सारे सॉसेस में थोड़ा सा नमक होता है तो एहतियात कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1.25 teaspoon के करीब डाल रही हूँ। ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर इसको हल्का सा एक कैरामलाइज टेस्ट देने के लिए हम डालेंगे ब्राउन शुगर, जो कि जाएगी इसमें तकरीबन 1 tablespoon, लेकिन बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये तमाम चीज़ें हो गई। इसके अलावा इससे मेरे पास यहाँ पर आप चाहे ऑयल डालें या फिर आप वनस्पति डालें, मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करी, ये मैरिनेशन में ही, मैरिनेशन में ये जाएगा तकरीबन 3 से 4 tablespoon। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको वाज़े कर दूं कि अब आप चाहें तो उसको मिक्स करें, ओवरनाइट छोड़ें, नेक्स्ट डे आप इसको ओवन में बेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ओवन की सहूलत हर जगह मौजूद नहीं होती, तो हम एक काम करेंगे कि इसमें ही अपने पैन में बना लेंगे, बेहतरीन रहेगा। आप इसको सर्व कीजिए किसी अच्छे से सैलड के साथ, और मैं यहाँ पर बनाऊँगी अच्छी सी शानदार सी एक बिरयानी। इसको हम मिक्स कर लेंगे, मैं काम करती हूँ, इसको हम ब्रेक टाइम में कर लेते हैं, क्यों, क्या ख्याल है बिल आपका? ठीक है, तो आप ब्रेक टाइम में इसको कुक होने के लिए रखेंगी? मैं नहीं, कुक नहीं हूँ करूँगी मैं, मैं काम चले मैं, ठीक है, मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम इसको सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हमने चूल्हे के ऊपर इसको इसमें डालना है, पैन में डालना है, और कुक होने के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी हमने इसमें डाला हुआ है। और ये आप देखिएगा, जब घर में आप अच्छी मैरिनेट करेंगी तो कितना बेहतरीन इसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। बच्चों को दे रहे हो, चाय बना रहे हो, या फिर कोई भी रेसिपी हो, वो खास बन सकती है क्रीमी मज़ेदार बीन्स के साथ। अच्छा, बस इसको हम ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे, दैट्स इट। बेक करना चाहते हैं बिल्कुल आप, बहुत ही अच्छा सा इसमें से फ्लेवर निकल कर आया। अच्छा, इसमें जो ग्रेवी बचती है आप उसको अलग से भी सर्व कर सकते हैं, अगर जिसको चाहिए वो आराम से, लेकिन अच्छे से सैलड के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन लगेगी। मैं इसको कवर भी कर देती हूँ ताकि हमारा डिज़र्ट जो है उसके ऊपर कोई छींटे ना आए। यहाँ पर बिरयानी एक दफ़ा आपको दिखा देते हैं,